Hey, what's up guys? This is Sanjeev and welcome back to again my YouTube channel. So guys, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube channel में. And guys, आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि हम एक बहुत ज्यादा खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेके. So guys, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूँ कि मेरा कोरोना वायरस का जो वैक्सीन का फर्स्ट डोज है वो लग चुका है मुझे और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इसको लगवाने के बाद. क्या मैं मरा? क्योंकि मरा तो नहीं, क्योंकि यार मरा रहता तो वीडियो नहीं बना रहा होता. बहुत लोग बोल रहे हैं इसको लगवाने से लोग मर जाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं लोग नपुंसक हो जाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं बुखार ये वो दर्द पता नहीं क्या क्या. तो पूरा आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ. 4-5 दिन मुझे लगवाए हुए हो गए हैं तो मैं आपको अब भली भांति बता सकता हूँ अपना एक्सपीरियंस. तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं. अगर आप भी वैक्सीन लगवाने से डर रहे हो तो वीडियो पूरा आखिरी तक देख लेना, आपके अंदर से डर निकल जाएगा. और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस लॉकडाउन में घर में बैठ के बोर हो रहे हो इस कोरोना काल में, तो गाइस डिस्क्रिप्शन चेक करो मेरा, उसमें आपको एक लिंक मिलेगा जो कि ग्रो एप्लीकेशन का है. अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक से ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो और आधार कार्ड पैन कार्ड डाल के ई साइन वगैरह फुल करते हो, जैसे ही अपना KYC कंप्लीट करते हो 24 घंटे के अंदर अंदर 100 रुपया रिवॉर्ड आपको भी मिलता है, 100 रुपया रिवॉर्ड मुझे भी मिलता है और उसको आप इंस्टेंटली अपने बैंक में विड्रॉल भी कर सकते हो. 24 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाएगा, चाहे 100 रुपया करो चाहे आप 1 लाख करो, क्योंकि आप इसको रेफर कर करके महीने का तो मतलब 1 लाख कमा ही सकते हो, 50,000 1 लाख रुपए जितना आप रेफर कर सको, लेकिन आप डेली का ऐसे 2 से 4 हज़ार रुपये कमा सकते हो. मैं देख लो मेरा आज का इनकम है 5,000 से प्लस. सो गाइस, जो ग्रो एप्लीकेशन है उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है. ये एक अपस्टॉक मतलब कि अपस्टॉक जैसी एप्लीकेशन है, शेयर मार्केट की एप्लीकेशन है. यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, ठीक है, उसके बाद से स्टॉक्स में, आप इन सभी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो पैसा. उसके बाद थोड़ा बहुत जब आपका पैसा बढ़ जाए तो आप शेयर खरीदे हो, इन्वेस्ट की हो, फिर शेयर बेच दो, पैसा थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा. लेकिन आपको यहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपको उसका थोड़ा भी नॉलेज नहीं है. अगर होगा तो कर लेना, नहीं तो दोस्तों ये एप्लीकेशन एक रेफरल एंड अर्न प्रोग्राम चला रही है जिसके कारण आपको ये बहुत अच्छा खासा पैसा दे रही. अगर आप इस एप्लीकेशन को मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो फिर उसके बाद आगे आप अपना केवाईसी करके किसी और को रेफर करते हो वो आपके लिंक से डाउनलोड करता है तो उसे भी 100 रुपए मिलता है, आपको भी 100 रुपए मिलता है. और ऐसे करके डेली का आप अगर 5 लोग को भी शेयर कर दिए तो 500 रुपए कमा लिए. तो डेली का मतलब आप 2 से 4 हज़ार रुपए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सिर्फ रेफर कर करके कमा सकते हो, उसको भी मिलेगा आपको भी मिलेगा. सोचो कितनी अच्छी बात है. तो इस एप्लीकेशन को जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो और अपने यार दोस्त को रेफर करो. लेकिन आधार कार्ड पैन कार्ड डाल के फुल केवाईसी करने के बाद ही रेफर करना, तभी उसको भी 100 रुपए मिलेगा, आपको भी 100 रुपए मिलेगा. और ऐसे कर करके आप डेली का 2 से 4 हज़ार रुपए कमा सकते हो. मैं अपना प्रूफ आपको दिखा दिया, घर बैठे कमाना है तो बहुत मस्त है. अब गाइस बात कर लेते हैं अपने कोरोना वायरस के बारे में, अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं. सो गाइस, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कतई जबरदस्त रहा भाई, कतई जबरदस्त रहा. मतलब कि इतना बढ़िया, मुझे लगा था मुझे बुखार आएगा, मैं थोड़ा बीमार पड़ूंगा, घर वाले थोड़ा मुझे सेवा पानी करेंगे कि अरे मेरा बेटा बीमार हो गया. लेकिन ऐसा कुछ मौका मिला ही नहीं घर वालों को, क्योंकि यार मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मुझे बुखार तक नहीं आया, मुझे मतलब कुछ भी नहीं हुआ भाई. लोगों का हाथ, मेरे पापा सुई लगवाए थे तो हाथ दर्द कर रहा था, 1 दिन तक लेके बैठे थे, लेकिन भाई मेरा हाथ तक नहीं दर्द किया, ठीक है. तो ये पूरा एकदम मतलब स्पष्ट दिखा रहा है कि आपकी इम्यूनिटी के ऊपर है कि आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी कैसी है. अगर कमजोर है तो थोड़ा आपको बुखार वगैरह आएगा, अच्छी है मेरी तरह तो भैया कुछ नहीं होगा, भले चंगे रहोगे. तो भाई डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, COVID-19 का वैक्सीन डेफिनेटली लगवाएं. ये कुछ चूतिए इन्फ्लुएंसर बने हैं, ये कुछ चूतिए फेसबुक पे इन्फ्लुएंसर बने हैं कि कोरोना पहले बोलते थे था ही नहीं, जब कोरोना आया इनके पीछे डंडा हुआ तो सबके मुंह पे मास्क आ गया. आप सबका गरीबों का हेल्प कर रहे हैं कोरोना में कि भैया इसको कोरोना, इसको सिलेंडर पहुंचाएंगे, इसको मास्क पहुंचाएंगे. और इससे कुछ दिन पहले तक भाई कोरोना है ही नहीं, सरकार तो चूतिया बना रही है. अब जब डंडा हुआ पीछे तो भैया कोरोना आ गया इन सभी के लिए, ठीक है. और उसके बाद बोल रहे थे वैक्सीन से लोग नपुंसक हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है. भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे चूतिए रोड छाप जो फेसबुक पे लाइव आके कुछ भी मिल गया है फेसबुक, इसीलिए इंडिया में बैन होने के कगार आ गया था फेसबुक. अबे कुछ भी फेसबुक मिल गया तुम कुछ भी चूतिया मतलब पेले जा रहे हो, मतलब कुछ है नहीं ढंग, क्या बोलना है क्या नहीं. मतलब वो सारे साइंटिस्ट, इनके नजर में साइंटिस्टों का कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है भाई साहब. जो इतना पढ़ लिख के देश दुनिया के साइंटिस्ट मिलके जो वैक्सीन बनाए हैं उनका घोर अपमान कि भैया ये तो काम ही नहीं कर रहा है. अबे भाई कैसे तुम्हें पता कि नहीं काम कर रहा है, ठीक है. लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन दो डोज लगवाने के बाद भी पता नहीं कितने हजार डॉक्टर मर गए, कितने लोग मर गए दो डोज लगवाने के बाद. तो भाई वो पहले से भी तो बीमार हो सकते हैं, ऐसे भी तो मर सकते हैं, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद ही कोई मरेगा. तो गाइज आप अपना कर्तव्य जरूर पूरा करें, वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है. लेकिन कल को अगर आप मर गए ना तो आपके अंदर एक मलाल हो जाएगा आपके अंदर कि आप तो मर जाओगे, आपके घर वाले के अंदर कि यार शायद वैक्सीन लगवाए रहते तो ये जिंदा रहता. जी के कौन सा बड़ा तुम घूम रहे हो, कौन सा बड़ा सब खुला हुआ है, लगवा लो यार वैक्सीन, ठीक है. इतना नहीं डरते हैं जिंदगी से, जाना एक दिन सबको, और लिखा होगा तो भैया किसी का बाप नहीं रोक सकता है, तुम वैक्सीन लगवाओ या मत लगवाओ.
तुम भले चंगे रहोगे, तुम्हारा पैर फिसलेगा, सिर फटेगा, खत्म। गाड़ी से जा रहे हो, एक्सीडेंट हुआ, खत्म। भाई बहुत तरीका है, भगवान को बुलाना रहेगा ना तो किसी बना किसी बहाने से बुला लेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, जो डरता है वही मरता है। तो डरो मत, डर के आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे तुम्हारा भाई है, ठीक है? तो गाइस डरना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को अपना वैक्सीन लगवाना है, पूरा प्रॉपर दोनों डोज लगवाना है। इस वीडियो को देखने के बाद जाओ, स्लॉट बुक करो। यार आप किसके बात पे भरोसा कर रहे हो? जो इतना पढ़ लिख के वैज्ञानिक बना है उसके बात पे भरोसा करोगे कि ये जो चूतिए 54 छाप 10वीं फेल ये कुछ भी आगे बक दे रहे हैं लाइव आके कि कोरोना नहीं है, वैक्सीन मत लगवाओ। ये भाई साहब ये ना ये मतलब कि लाइम लाइट में आने के लिए कुछ भी करते हैं चूतिए, लाइम लाइट में आने के लिए, लोगों के बीच आने के लिए सरकार को गाली देते हैं, आप देखते ही होंगे, लोगों के बीच आने के लिए कुछ भी बकैती करते हैं। जो ट्रेंडिंग मैटर चल रहा है उस पर जानबूझ के कूदेंगे, इनका उसमें कुछ लेना देना नहीं है, ये कुछ मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है साले, लेकिन ये कूदेंगे जरूर। अब इंडिया की पब्लिक इतनी चूतिया है भाई साहब, इतनी चूतिया है भाई साहब कि उनको यही सब देखना पसंद है। हाँ सर आप सही बोल रहे हैं सर, हम आपके साथ हैं सर, कोरोना नहीं है सर, तुम्हारे घर में किसी को कुछ होगा ना ये चूतिए नहीं आएंगे, ठीक है? तो ये फेसबुक पे जो लाइव प्रवचन देते हैं चूतिए, इतना बगर 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 बगर, इनके बात पे यार भरोसा मत किया करो, अपनी समझदारी से काम लो। आप खुद सोचो, आप अगर पढ़े लिखे हो साला, ये तो गंवारों का भी मतलब कि जो अनपढ़ है उनका भी बेइज्जती होगा यार, वो भी मतलब इनसे समझदार होंगे कि भैया कोई पढ़ा लिखा इंसान कुछ बोल रहा है तो चलो मान लेते हैं, ठीक है? यार भाई गंवार गंवार ये सब बोलते हैं, गंवार तो ये सब खुद हैं, गंवार क्या गंवार होता है भाई? बिहार के लोग ही ज्यादातर आईएएस पीसीएस बनते हैं, मैं भी एक बिहारी हूं, तो गंवार को गंवार बोलना एक चलन आ गया है, ये चूतिया ही लाए। गंवार गंवार नहीं होता है, गंवार इनसे समझदार होता है, ये पढ़े लिखों से समझदार होता है। जो पढ़े लिखे इनके वीडियो पे कमेंट करते हैं, हाँ सर आप सही बोल रहे हैं ये वो, भाई देखो मोटिवेशनल स्पीकर पता है क्या होता है, उसके अंदर कुछ होता नहीं है, उसको बस बात करने आता है, उस चीज का उसको पैसा मिलता है। तो ये इन चूतियों के अंदर ना ये जो इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, ये छोटे मोटे जो हैं, मैं बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं टारगेट कर रहा हूं, मैं इन चूतियों को बोल रहा हूं कि ये सब जो इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं ना, इनको बस एक बोलने आ गया है तो ये आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनके चूतियों के बातों में मत आओ। और अपना दोनों डोज लो, अभी जाओ स्लॉट बुक करो और लो। अरे यार जब हम लोग अभी मरने पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? रोज भारत में एक्सीडेंट से कई हजार लोग मरते थे, नॉर्मल कई हजार लोग मरते थे, उससे ज्यादा ही मरते होंगे। और गाइज अभी क्या कोरोना है तो एक एक लोगों पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, कोई भी मर जा रहा है भाई कोरोना, कोई भी मर जा रहा है भाई कोरोना से मरा। अरे भाई वैसे भी तो मर सकता है दोनों डोज लगवाने के बाद, हो सकता है कोरोना में वो डोज लगवाया हो सकता है उसको कोई और बीमारी हो, अभी कोरोना आ गया है तो भैया ये कोरोना से ही मरा होगा। अबे क्या चूतिया पाए भाई। गाइस दोनों डोज लगवाओ, कुछ नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैंने लगवाया है, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मेरा हाथ बस यहाँ छूने में थोड़ा सा दर्द कर रहा है, नहीं तो गाइस मैं डेली डिप्स भी मारता हूँ, मैं रोज 50 मारता हूँ, लगभग एक महीने से मैंने शुरू किया। आप बोलोगे कि डिप्स मारता है शरीर इतना सुखंडी सा, तो भाई मैं भी 15-20 दिन एक महीने से ही शुरू किया हूँ, धीरे धीरे बॉडी बनाऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करो, दिख जाएगा आपको, ठीक है? और गाइस मैं उस दिन डिप्स मारा, रोज 50 मारता हूँ, उस दिन मैं 80 मारा, 20-20 का सेट मारा, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एक बुखार तक नहीं आया। पैर हाथ थोड़ा सा दर्द किया था, वो मेरा नॉर्मल हर हफ्ते हर महीने में एक बार करता है, तो नॉर्मल वही सारा वही हुआ होगा दर्द, ठीक है? तो गाइस कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कोई डरने की जरूरत है ही नहीं, वैक्सीन बेस्ट है बेस्ट, जाओ लगवाओ और मजा लो, क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो फिर कुछ मजा नहीं आएगा। ऐसे अगर चले गए तो भाई एक मलाल रहेगा कि यार काश लगवा लिए रहते वैक्सीन, तो वैक्सीन लगवाओ डेफिनेटली बहुत सही है। तो चलिए मिलते हैं, यही था आज के इस वीडियो में, ग्रो एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके पैसा कमाइए घर बैठे बैठे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।